बीकानेर में पीबीएम अस्पताल जो है वो विवादों के घेरे में रहता है। कल जहां पार्षद की माता के निधन के बाद में पार्षदों के द्वारा अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया, वहीं पर अधीक्षक ने इस बात का आरोप लगाया कि कांग्रेसी पार्षदों ने उनके साथ में बदसलूकी की। कोविड 19 का ये दौर चल रहा है जिसमें खासतौर से महामारी एक्ट के तहत बहुत सारी संख्या में लोग नहीं जा सकते, और ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड से भी ये कांग्रेसी पार्षद उलझ गए। कल भी काफी तू तू मैं हुई और उसके बाद में आज होमगार्ड्स ने दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के और धरना लगाया। हम दिखाते हैं होमगार्ड के द्वारा दिए गए धरने के संपादित अंश। वहीं हमने धरने पर बैठे होमगार्ड के इन जवानों से की बातचीत। पार्षद यहाँ आए थे, हमारे गार्ड के साथ धक्का मुक्की की है और हमारे सुप्रिंट साहब के शरबत में टेबल पर मुक्के मारे हैं। टेबल सुप्रिंट के प्रमाण में हाथ डालने की कोशिश की है। तीन पार्षद चार पार्षद आए और हमारे गार्ड के साथ में धक्का मुक्की करी। हमारी कोई मांग नहीं, हमारी मांग है कि वह चारों आदमी गिरफ्तार हो जाए, हम ड्यूटी पर चढ़ जाएंगे। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते हम आगे जब तक गिरफ्तार नहीं होते हम जो है ना ड्यूटी पर नहीं चढ़ेंगे।